बहुत बहुत बधाई आपको। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। पानीपत ने पानी दिखा दिया। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, इसमें इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम रहा। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। नहीं, आपने आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। और आप तो फौजी है, आप तो फौजी है, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल, जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी, और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ तो 15 अगस्त को मिल रहे हैं भैया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।